मुक्ति का उपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। उपनिषद का आरंभ हम शांति पाठ से करते हैं। परलौकिक ब्रह्म तो ब्रह्मांड की आत्मा है, विश्व की आत्मा है। वह ब्रह्म तो सब प्रकार से परिपूर्ण है। यह ब्रह्मांड, यह विश्व भी सब प्रकार से परिपूर्ण है। यह परिपूर्ण ब्रह्मांड उसी परिपूर्ण ब्रह्म से निकला है और परिपूर्ण ब्रह्मांड के परिपूर्ण ब्रह्म में से निकल जाने पर भी ब्रह्म की पूर्णता पर कोई असर नहीं होता। ब्रह्म की पूर्णता कम नहीं होती और ब्रह्म पहले की तरह सब प्रकार से परिपूर्ण का परिपूर्ण ही रहता है। ओम शांति शांति शांति। ओम। मुक्ति का उपनिषद उसी में दी गई 108 उपनिषदों की सूची में आखिरी क्रम संख्या 108 पर आता है। उपनिषद में क्रमवार उन 108 उपनिषदों के नाम दिए गए हैं जो मनुष्य को मुक्ति के लिए पढ़ने चाहिए। साथ में कौन सा उपनिषद वेद की कौन सी शाखा का भाग है, उस शाखा का शांति पाठ भी दिया गया है। इसके अलावा चार प्रकार की मुक्ति के बारे भी बताया गया है। इस अपलोड को तैयार करने के लिए एक तो डॉक्टर ए जी कृष्णा वॉरियर द्वारा किया गया जो उपनिषद का अंग्रेजी अनुवाद है, जिसे द थियोसॉफिकल पब्लिशिंग हाउस चेन्नई ने प्रकाशित किया है, उस अनुवाद का प्रयोग किया है। और दूसरा गीता प्रेस गोरखपुर का जो कल्याण के 23वें वर्ष का उपनिषद विशेष अंक है, उसका प्रयोग भी किया गया है। सुविधा के लिए उपनिषद को तीन भागों में प्रस्तुत किया गया है। उपनिषद भगवान राम, सीता, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ सुंदर अयोध्या नगर में रत्नों से जड़े मंडप के मध्य में अपने राज सिंहासन पर बैठे हैं। सनक, वशिष्ठ तथा शुक जैसे ऋषि और अन्य भक्त दिन रात उनका स्तुति गान करने में लगे हैं। श्री राम जो बुद्धि के हजारों परिवर्तनों के अपरिवर्तनीय साक्षी हैं, वे अपने ही रूप की समाधि में मग्न आनंदित हैं। जब वे अपनी समाधि पूर्ण कर लेते हैं, तब उनसे हनुमान भक्ति भाव से पूछते हैं, हे राम, आप तो सत चित आनंद की प्रकृति के परम जीव हैं। मैं मुक्ति की इच्छा रखते हुए आपकी सही और वास्तविक प्रकृति को जानना चाहता हूं। प्रभु, कृपया मुझे बताओ कि बिना तनाव के, कि बिना किसी तनाव के मैं बंधनों से छुटकारा कैसे प्राप्त कर सकता हूं। श्री राम उत्तर देते हैं, बहुत अच्छा पूछा है तुमने हनुमान, मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि मैं तो वेदांत में अच्छी तरह से स्थापित हूं। लेकिन प्रभु, वेदांत क्या है और वह कहां है, हनुमान श्री राम से प्रश्न करते हैं। श्री राम उसे बताते हैं, सुनो हनुमान, इस बात को तुम अच्छी तरह जान लो कि अपनी महान विशालता में सभी वेद तो मेरे श्वास ही हैं और वेदांत उन्हीं वेदों में उसी तरह निहित है, उसी तरह मौजूद है जिस प्रकार तिलों में तेल निहित है, जिस प्रकार तिलों में तेल मौजूद है।
प्रभु मुझे बताइए कि वेद कितने हैं और उनकी शाखाएं कितनी हैं और इनमें उपनिषद क्या है। हनुमान इस बात को तुम अच्छी तरह जान लो कि चार वेद हैं और इन चार वेदों के कई चार वेदों की कई शाखाएं हैं और उन शाखाओं में उपनिषद है। ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं, यजुर्वेद की 109 शाखाएं हैं, सामवेद की 1000 शाखाएं हैं और अथर्ववेद की 50 शाखाएं हैं। और वेद की प्रत्येक शाखा का एक उपनिषद है। और यह भी जान लो हनुमान कि यदि कोई व्यक्ति पूरे भक्ति भाव से किसी भी उपनिषद का केवल एक श्लोक भी पढ़ लेता है तो उसे मेरे साथ मिलन का दर्जा मिल जाता है, जो दर्जा ऋषियों द्वारा प्राप्त कर पाना भी बहुत कठिन है। हनुमान फिर श्री राम से प्रश्न करता है, लेकिन प्रभु ऋषिगण तो अलग अलग बातें करते हैं। कुछ ऋषि कहते हैं कि केवल एक ही प्रकार की मुक्ति होती है, कुछ कहते हैं कि आपके नाम की पूजा करने से और काशी में तारक मंत्र से मुक्ति मिलती है, कुछ अन्य ऋषि बताते हैं कि सांख्य योग भक्ति योग तथा वेदांत वाक्यों के जांच के करने से मुक्ति मिलती है। सही सही क्या है आप ही मुझे बताइए। श्री राम हनुमान को बताते हैं, हनुमान मुक्ति चार प्रकार की होती है, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य और कैवल्य, लेकिन इनमें सच्ची मुक्ति तो केवल कैवल्य मुक्ति है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह दुराचारी का जीवन व्यतीत कर रहा हो, मेरे नाम की पूजा उपासना करने से वह सालोक्य प्राप्त कर सकता है, यानी वह मेरा लोक प्राप्त कर सकता है, लेकिन फिर उसे और कोई लोक नहीं मिलता। काशी के पवित्र ब्रह्मनाल स्थान में मृत्यु होने से व्यक्ति को तारक मंत्र प्राप्त हो जाता है और फिर उसे बिना पुनर्जन्म के मुक्ति मिल जाती है। काशी में किसी और अन्य स्थान पर मृत्यु होने में व्यक्ति के दाहिने कान में माहेश्वर तारक मंत्र बोल देते हैं, जिससे उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मेरे समान स्वरूप मिल जाता है। इसे ही सालोक्य सारूप्य मुक्ति भी कहते हैं। अच्छे आचरण में दृढ़ रहते हुए, अपने मन को मेरे पर टिकाते हुए, मुझे सबकी आत्मा के रूप में प्यार करते हुए ब्राह्मण प्रकृति का व्यक्ति मेरे समीप आ जाता है। इसे तीन प्रकार की मुक्ति, सालोक्य, सारूप्य और सामीप्य कहते हैं। गुरु द्वारा निर्धारित मेरे सनातन अनंत रूप पर ध्यान लगाते हुए व्यक्ति भ्रमर कीट के समान निश्चय ही मेरी पहचान प्राप्त कर लेता है। जो मैं हूं वो भी वही बन जाता है। इसे सायुज्य मुक्ति कहते हैं, जो ब्रह्म का आनंद देती है। ये चारों प्रकार की मुक्ति मेरी पूजा करने से मिलती है, लेकिन कैवल्य मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, अब तुम्हें मैं उसके बारे बताता हूं।
कैवल्य मुक्ति प्राप्त होती है उपनिषदों के पढ़ने से, और कैवल्य मुक्ति प्राप्त करने के लिए केवल मांडुक्य उपनिषद का ज्ञान ही काफी है, केवल यह एक उपनिषद ही काफी है। लेकिन यदि इसके अध्ययन से ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब व्यक्ति ये 10 उपनिषद इस क्रम में पढ़े, जो है एक ईश, दो केन, तीन कट, चार प्रश्न, पांच मुंडक, छह मांडुक्य, सात तैत्तिरीय, आठ ऐतिरीय, नौ छांदोग्य और 10 बृहदारण्यक। इनको पढ़ने से व्यक्ति को शीघ्र ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तुम्हें शीघ्र ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और तुम मेरे निवास को पहुंच जाओगे। यदि इनसे भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब व्यक्ति 32 उपनिषद पढ़कर रुक जाए, तो केवल 32 उपनिषद ही पढ़े। और ये 32 कौन से हैं? ये हैं पहले वाले 10 और फिर उनसे आगे क्रम संख्या 11 से 32 तक जो है, 11 ब्रह्मा उपनिषद, 12 कैवल्य उपनिषद, 13 जाबाल, 14 श्वेताशवतर, 15 हंस, 16 आरुणी, 17 गर्भ, 18 नारायण, 19 परमहंस, 20 अमृत बिंदु, 21 अमृत नाद, 22 अथर्व शीर्ष, 23 अथर्व शिखा, 24 मैत्रायणी, 25 कौशितकी ब्राह्मण, 26 बृहज बाला, 27 नरसिंह तापिन्या उत्तर और पूर्व, 28 काल अग्नि रुद्र, 29 मैत्री, 30 सुबाल, 31 क्षुरिका और 32 मंत्रिका। और यदि व्यक्ति बिना शरीर के मोक्ष चाहता है तो वह 108 उपनिषद इस क्रम में पढ़े, पहले 32 क्रम जो बता चुका हूं और उसके बाद ये 108 पढ़े, 33 सर्वसार उपनिषद, 34 निरालंब, 35 शुक रहस्य, 36 वज्र सूचक, 37 तेजो बिंदु, 38 नाद बिंदु, 39 ध्यान बिंदु, 40 ब्रह्म विद्या, 41 योग तत्व, 42 आत्मबोध, 43 नारद परिव्राजक, 44 त्रिसिखी ब्राह्मण, 45 सीता उपनिषद, 46 योग चूड़ामणि, 47 निर्वाण, 48 मंडल ब्राह्मण, 49 दक्षिणामूर्ति, 50 शरब उपनिषद, 51 स्कंद, 52 त्रिपद विभूति महानारायण उपनिषद, 53 अद्वैत तारक उपनिषद, 54 राम रहस्य, 55 राम तापन्य उत्तर और पूर्व, 56 वासुदेव उपनिषद, 57 मुद्गल, 58 शांडिल्य, 59 पैंगल, 60 भिक्षु, 61 महत, 62 शरीरक, 63 योग शिखा, 64 तुरियातीत,
संन्यास, 66 परमहंस परिव्राजक, 67 अक्षमालिका, 68 अव्यक्त उपनिषद, 69 एक अक्षर उपनिषद, 70 अन्नपूर्णा उपनिषद, 71 सूर्य, 72 अक्षी, 73 अध्यात्म, 74 कुंडिका, 75 सावित्री, 76 आत्मा, 77 पशुपत ब्राह्मण, 78 पार ब्रह्म, 79 अवधूतक, 80 त्रिपुरा तापिनी, 81 देवी, 82 त्रिपुरा, 83 कठ रुद्र, 84 भावना, 85 रुद्र हृदय, 86 योग कुंडली, 87 भस्म, 88 रुद्राक्ष, 89 गणपति, 90 दर्शन, 91 तरासर, 92 महावाक्य, 93 पंच ब्रह्म, 94 प्राण अग्निहोत्र, 95 गोपाल तापन्य उत्तर और पूर्व, 96 कृष्ण, 97 याज्ञवल्क्य, 98 वराह, 99 सत्यायनी, 100 हयाग्रीव, 101 दत्तात्रे, 102 गरुड़, 103 कली संतरन, 104 जाबाली, 105 सौभाग्य लक्ष्मी, 106 सरस्वती रहस्य, 107 बैवरीच उपनिषद और 108 और आखिरी मुक्ति का उपनिषद। इसके साथ ही उपनिषद का पहला भाग संपन्न हुआ।